Hey everyone, this is Max and I'm here with a new shocking and electric project. So ये project उन लोगों के लिए काफ़ी special होने वाला है जो electronics के शौकीन हैं और उन्हें एक ऐसा power source चाहिए जिससे वो अपने सभी type के device, मे बी वो LED हो या motors हो या battery charging हो, so सभी तरह के system या काम है fulfill कर सकते हैं एक simple device की help से. So या टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल बेंच पावर सप्लाई. वेल एक्चुअली मार्केट में तो बहुत कॉस्टली है बट आई ट्राई टू बिल्ड इट वेरी चीप एंड वेरी इजीली. सो दिस इज़ हाउ इट्स लुक. सो ये टोटली जितने भी इसके अंदर पार्ट्स लगे हैं या जो भी आप देख रहे हो ये मैंने खुद ही बनाए हैं एंड जो पार्ट्स में यूज़ किया गया है इसकी बॉडीज एंड स्विचेस एंड LEDs ये सब के हैं टोटल वेस्ट मटेरियल हैं. सो अब तक मेरे पास जितना भी वेस्ट मटेरियल पड़ा था तो मैंने उसी की हेल्प से इसे क्रिएट किया है. सो टुडे इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, इसे टेस्ट करके दिखाऊँगा. वेल एक्चुअली कंप्लीट तो नहीं है बट वी कैन टेस्ट इट एंड आई कैन शो यू कि ये वर्क कैसे करता है. वेल ये 220 वोल्ट AC पे ही वर्क करता है और फिर इसके अंदर ही उस वोल्ट को DC में कन्वर्ट किया जाता है 30 वोल्ट में एंड फाइनली फिर हम जो चाहे वो वोल्टेज अचीव कर सकते हैं. सो यहाँ एक पीछे स्विच है जिससे ये ऑन हो जाता है और रेड LED इंडिकेट करती है कि इसके अंदर पावर आ रही है नहीं आ रही. वेल इसके क्या क्या यूज़ हैं और ये कैसे काम करता है सो आज इस वीडियो में देखेंगे एंड बाकी इन्फॉर्मेशन ये कैसे बना है आई विल शो यू इन द नेक्स्ट पार्ट. सो फिलहाल अभी जो इसके डिस्प्ले है वो एक एक्सटर्नल बैटरी से रन कर रहा हूँ मैं क्योंकि अभी टोटल कनेक्शन मैंने इसके किए नहीं है. सो यही डिजिटल डिस्प्ले है. इस डिस्प्ले में हम क्या वोल्टेज को एंड करंट की दोनों को एक साथ ही सी कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं किस टाइम पे कितनी वोल्टेज आ रही है एंड कितना करंट आ रहा है. सो रेड इंडिकेट करता है वोल्टेज को एंड जो ब्लू है वो इंडिकेट करेगा अमाउंट ऑफ करंट को. सो वेल इसी की हेल्प से हम ये चेक कर पाएंगे किस टाइम हमें कितनी वोल्टेज देनी है या कितनी वोल्टेज उसमें सप्लाई हो रही है. सो नाउ फर्स्ट हम कनेक्टिंग ए कोड जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल है. सो फाइनली कोड को मैंने कनेक्ट कर दिया. तो नाउ यू कैन सी दीज 3 स्विचेस और हर एक स्विच का यहाँ एक अपना मैंने फंक्शन सेटअप किया है. फर्स्ट जो स्विच है एक ग्रीन LED के साथ सो ये इंडिकेट करेगा रनिंग ऑफ फैन क्योंकि अगर गर्म हो जाता है तो फैन ऑन हो जाएगा इसकी हेल्प से. एंड जो ये वाला स्विच है ये स्विच मैंने एक्स्ट्रा के लिए छोड़ा है. सो इसकी हेल्प से मैं कोई एक एक्स्ट्रा LED या कोई और सिस्टम कनेक्ट कर सकता हूँ. एंड फाइनली जो ब्लैक है इसको ऑन करने के बाद जो अमाउंट ऑफ सप्लाई है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी कि अभी मैं दोनों पोटेंशियोमीटर को रन कर रहा हूँ बट कोई भी रीडिंग नहीं शो कर रहा बट जब मैं इस स्विच को ऑन करूँगा सो ऑटोमेटिकली रीडिंग शो होना स्टार्ट हो जाएगी. तो नाउ यू कैन सी कि अभी जो वोल्टेज दिखा रहा है वो अप्रॉक्स 1 वोल्ट है. वेल इसकी एक लिमिट है, ये 1 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक को कंट्रोल कर सकता है एंड सप्लाई दे सकता है. एंड अमाउंट ऑफ करंट ये तकरीबन 0 एम्प से लेके 10 एम्प तक का करंट दे सकता है. सी सो मैं वोल्टेज को जितना चाहे उतना इंक्रीज कर सकता हूँ 1 to 30 के बीच में अकॉर्डिंग टू माई नीड. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट इट कि ये किस तरह काम करता है किस टाइप के डिवाइस पे लाइक मोटर्स या LEDs या फिर एक्स्ट्रा थिंग्स. सो लेट्स हैव अ टेस्ट. सो फाइनली मैं इसे सेटअप करता हूँ एक छोटी सी मोटर के लिए. ये तकरीबन 5 to 6 वोल्ट की मोटर है, जनरली 5 वोल्ट पे इजीली वर्क करेगी. सो फर्स्ट मैं वोल्टेज को 5 वोल्ट पे सेटअप कर लेता हूँ. वोल्टेज मैंने ऑलरेडी सेटअप कर दी है अप्रॉक्स 5 वोल्ट और इसके ऊपर एक पीस ऑफ टेप चिपका दिया है सो दैट पता चल सके कि रन कर रही है और कितना फास्ट रन कर रही है. सो एक टर्मिनल के साथ पॉजिटिव एंड सेकंड टर्मिनल के साथ नेगेटिव कनेक्ट करता हूँ. सो नाउ यू कैन सी इट्स वर्किंग बट जो वोल्टेज है एज यू कैन सी ड्रॉप हो गई है बिकॉज ऑफ दिस क्योंकि जो अमाउंट ऑफ करंट है वो है कम. बट जैसे जैसे मैं करंट को इंक्रीज करूँगा सो जो रोटेशन स्पीड है इसकी वो भी इंक्रीज होती जाएगी एज यू कैन सी. सो लेट्स गो टू नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑन एन LED. सो यहाँ मैं एक हाई वोल्टेज का SMD LED ले रहा हूँ. सो ये तकरीबन 5 वोल्ट के अप्रॉक्सी ग्लो करेगा. सो नाउ यू कैन सी जो वोल्टेज है वो मैंने 3 वोल्ट स्टार्ट किया और मैं वोल्टेज को जैसे जैसे इंक्रीज़ करता जाऊँगा सो जो LED है हमारा वो भी क्या हो जाएगा, ग्लो होता जाएगा. एंड इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स अमाउंट ऑफ करंट कि कितना अमाउंट ऑफ करंट हम दे रहे हैं. बट जितनी ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई करूँगा उतना ही ज़्यादा ग्लो होगा. सो एज यू कैन सी सो लेट्स गो टू ऑन अनदर वन. नेक्स्ट एमओ इज ऑन द नाइक्रोम वायर. सो नाइक्रोम वायर क्या है, जब भी हम इसमें अमाउंट ऑफ करंट और वोल्टेज को सप्लाई करते हैं सफिशिएंट अमाउंट तो ये कहती है रेड हॉट हो जाती है. सो नाउ यू विल सी. ओके सो मैंने सेटअप कर दी है और मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूँ. नाउ यू कैन सी इट्स वॉज अ रेड हॉट टोटली. सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन.
सो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ एक नॉर्मल कॉपर इंडक्टर का, जो कि कॉपर वायर से ही बना हुआ है, एंड दैट विल हेल्प मी टू सी कि कितना अमाउंट ऑफ करंट ये प्रोवाइड कर रहा है. सो जो वोल्टेज है वो मैंने इसमें टोटली हाई कर दी है, और अब जो करंट है मैं उसे भी फुल कर दूंगा. सो फाइनली आई विल शो द रीडिंग. सो नाउ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द करंट. सो नाउ यू कैन सी, सो ये टोटली मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2 एम्प तक के करंट को प्रोवाइड कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि अंदर जो कुछ रेजिस्टेंस वगैरह है वो भी कुछ हीटिंग लॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ करंट लॉस हो रहा है. सो अब मैं टोटल कंपेयर कर रहा हूँ मेरे इस बनाए हुए वेरिएबल सप्लाईज की एंड जो नॉर्मल मीटर होता है उससे. सो आई विल शो यू कि जो अमाउंट ऑफ वोल्टेज इसमें शो कर रहा है और जो अमाउंट ऑफ वोल्टेज वो शो कर रहा है वो क्या है, टोटली सेम ही है. मीन्स कोई भी किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है. सो नाउ यू कैन सी इन दिस. सो वेल दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वेरिएबल बेंच पावर सप्लाई. वेल जो इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है अबाउट 450 रुपीज़ की अप्रॉक्सीमेटली. सो जो डिस्प्ले है इसकी यही सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, अदरवाइज जो पार्ट्स हैं जो भी इसके अंदर यूज़ हुए हैं वो मोस्टली मैंने ओल्ड ही यूज़ करे हैं. सो नाउ यू कैन ईजली सी कि जितनी वोल्टेज मैं इसमें इंक्रीज करता जा रहा हूँ उतनी ही वोल्टेज मुझे वो डिजिटल मल्टीमीटर भी शो कर रहा है. सी इट्स ऑलमोस्ट सेम. सो आई होप दैट यू एन्जॉय दिस वीडियो, एंड द नेक्स्ट पार्ट में मैं शो करूँगा कि कैसे बना है और इसके अंदर मैंने क्या क्या यूज़ किए हैं और कितनी सर्किट सिस्टम यूज़ किए. सो टिल देन थैंक यू वेरी मच.